हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी, यानी कि कोशिका विज्ञान का वर्गीकरण में योगदान क्या है उसे हम देखने वाले हैं। जब हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी वो साइंस है, जब हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी का की वह ब्रांच जिसके अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं, और जब हम सेल्स की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की बात भी करते हैं। तो साइटोलॉजी के अंदर हम सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम लेवल पर बात करते हैं, जो कि किसी भी टैक्सोन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताने में हेल्प करता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपके लिए हेल्पफुल है, औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोल ऑफ साइटोलॉजी इन टैक्सोनॉमी। देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी कौन सी ब्रांच है। साइटोलॉजी सेल मॉर्फोलॉजी और न्यूक्लियस के साथ में डील करती है। न्यूक्लियस की स्टडी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जो कि बहुत सारी बायोसिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोमल कैरेक्टर होता है या जो क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे उनका क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो हर एक टैक्सोन में, हर एक स्पीसीज में डिफरेंट होता है, जिसकी स्टडी करके हम किसी भी टैक्सोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर एक स्पीसीज की जो क्रोमोसोम है उनमें भी कोई ना कोई वेरिएशन होती है, तो क्रोमोसोम की स्टडी से भी हम टैक्सोन को क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसको पता लगा सकते हैं। ये जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिलती है ये रिलेटेड स्पीसीज में तो बहुत ही कम होती है, लेकिन जब हम रिलेटेड ग्रुप्स की बात करते हैं तो रिलेटेड ग्रुप्स में ये वेरिएशन जो है वो लार्ज लेवल पर पाई जाती है। साइटोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो स्पीसीज के इवोल्यूशन के बारे में हमें जानकारी देते हैं या उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका भी इवोल्यूशनरी स्टडीज एंड बायोसिस्टमेटिक में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सॉलब्रिग 1968, इन्होंने जो है साइटोटैक्सोनॉमिक स्टडीज को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया कि अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो साइटोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज कर सकते हैं। ये पॉइंट है क्रोमोसोम नंबर, यानी कि किसी भी टैक्सोन में या किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की या गुणसूत्र की आकारिकी क्या है, एंड थर्ड वन इज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का व्यवहार। तो ये जो तीन पॉइंट हैं इनकी स्टडी करके हम किसी भी टैक्सोन की बायोसिस्टमेटिक प्रॉब्लम और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर जो है इस पर जो सबसे ज्यादा प्लांट स्पीसीज में वर्क किया गया वो किया गया डार्लिंगटन एंड जानकी अमर 1945, डार्लिंगटन एंड वेले 1955, फेडेरो 1969 एंड लव एट ऑल 1977। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने स्पीसीज में जो टैक्सोन क्रोमोसोम नंबर है उनके ऊपर स्टडी की और उसके अंदर उसके ऊपर ही अपनी रिसर्च जो है वो कैरी ऑन की। रेगनम वेजिटेबल्स जो हैं जो कि जिनमें इन्होंने प्लांट क्रोमोसोम नंबर्स की स्टडी की और उसे द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी शॉर्ट में IAPT 1967 एंड 1977 के अंदर पब्लिश कराया। ये जो जर्नल है ये 9 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश है। इसके अंदर आपको क्रोमोसोम नंबर की एनुअल लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। मिसौरी बॉटनिकल गार्डन जो है उन्होंने क्रोमोसोम नंबर का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, उसको अपडेट करते रहते हैं ताकि हम किसी भी रिकॉर्डेड प्लांट की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देख सकें और उसके बारे में पता कर सकें। क्रोमोसोम नंबर जब रिकॉर्ड करने की बारी आती है तो उन्हें डिप्लॉयड नंबर यानी कि 2N के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। जब एक सोमेटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, जब हम जर्म सेल की बात करते हैं तो जर्म सेल यानी कि जो गैमेट है यहाँ पर जो नंबर
वो हैप्लॉइड यानी कि एन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉइड के रूप में और जर्म सेल में हैप्लॉइड के रूप में नंबर्स को, क्रोमोसोम नंबर्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक डिप्लॉइड स्पीसीज के अंदर जो गैमेटोफिटिक क्रोमोसोम नंबर होता है उसको बेस नंबर एक्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक डिप्लॉइड स्पीसीज जो है उसके अंदर एन इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि जो बेस नंबर है और जो हैप्लॉइड नंबर है वो बराबर होता है। जबकि जब हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइड स्पीसीज की, तो पॉलीप्लॉइड स्पीसीज में जो एक्स है वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, एन तो वही रहता है लेकिन जो एक्स है वो मल्टीप्लाई नंबर के अंदर होता है। जैसे हम बात करते हैं हेक्साप्लॉइड प्लांट स्पीसीज में, तो हेक्साप्लॉइड प्लांट स्पीसीज में 2n is equal to 42 होता है, यानी कि ये एक डिप्लॉइड स्पीसीज है, हेक्साप्लॉइड है यानी कि 42, तो इसका जो x नंबर है वो कितना हुआ, 7 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से n is equal to 21, n is equal to 21, n is equal to 3x and 2n is equal to 6x। तो यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है 2n के सामने वो x को रिप्रेजेंट करता है। अगर हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है तो वो हो गया 6x, अगर पेंटाप्लॉइड है तो हो गया 5x। तो ये जो है डिपेंड करता है कि पॉलीप्लॉइडी किसी स्पीसीज की कितनी है। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म जो है उनके क्रोमोसोम नंबर में भी हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर जो है वो पोएसी के मेंबर पोआ लिटोरोआ के अंदर रिकॉर्ड किया है, जो है n इज इक्वल टू 132, n इज इक्वल टू 132 जो है इसका क्रोमोसोम नंबर है। और जब लोएस्ट नंबर की बात करते हैं तो लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर जो है वो है एस्ट्रेसी के मेंबर हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस का, जिसका है नंबर n इज इक्वल टू 2। जब हम टेरिडोफाइट प्लांट स्पीसीज में हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में, जहां पर n इज इक्वल टू 630 है। ठीक है, और जब डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं जैसा कि पॉलीप्लॉइडी में देखने को मिलता है, तो ये जो है एक टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में बहुत ही सिग्निफिकेंस रोल जो है वो प्ले करता है। ग्रास जीनस वल्पिया स्पीसीज जो है जो कि हेक्साप्लॉइड होती है, ये तो 2n इज इक्वल टू 42 क्रोमोसोम नंबर होता है, अगर टेट्राप्लॉइड होती है तो 2n इज इक्वल टू 28 होता है, और अगर ये डिप्लॉइड होती है तो 2n इज इक्वल टू 14 होता है। तो इनको देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि इनमें सब में ही लगभग एक्स इज इक्वल टू 7 है, x इज इक्वल टू 7 होगा। देखिए टेट्राप्लॉइड, अगर x इज इक्वल टू हम 7 मानते हैं और ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है तो 7 × 4 = 28, डिप्लॉइड है तो 7 × 2 = 14, तो यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू 7 है। क्रोमोसोम नंबर के बेस पर साइंटिस्ट जो हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी जो टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया है। जैसे रावेन ने 1975 के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स के ऊपर वर्क किया एंजियोस्पर्म में, फैमिली लेवल पर इन्होंने कंक्लूड किया कि एंजियोस्पर्म का जो ओरिजिनल बेस नंबर है वो 7x है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था। जबकि जब हम बात करते हैं पियोनिया की, तो पियोनिया के अंदर ये 5x है और इनके जो क्रोमोसोम हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, इसीलिए इनको अलग फैमिली के अंदर रखा गया है। क्रोमोसोम नंबर ही नहीं, पियोनिसी में और अदर जो कैरेक्टर हैं जैसे मोर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो भी इसको जो दूसरी फैमिलीज हैं उससे सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से जब हम पोएसी की सब फैमिली बम्बसॉइडी की बात करते हैं तो उसमें 12x बेस नंबर होता है, जबकि पुईनी के अंदर ये 7x होता है। तो वेरिएशन जो है हमें फैमिली लेवल में, सब फैमिली लेवल में देखने को मिलती है, जिसको हम इजीली साइटोलॉजी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। मैंथा जीनस की जब बात करते हैं तो मैंथा जीनस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सब डिवीजन ऑडिपेल्टिया के अंदर 9x होता है, प्लेजियम के अंदर 10x होता है, प्रेस्लिया के अंदर 18x होता है, जबकि मैंथा के अंदर 12x होता है। यानी कि एक स्पीसीज की अगर हम बात, एक फैमिली की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी सब फैमिली में भी हमें ये वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर के बेस पर हम इजीली टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ
किसी टैक्सोन की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वो देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की जो आकारिकी है वो किस तरीके से टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जब हम क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखते हैं क्रोमोसोम का साइज, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पर है, इससे जो क्रोमोसोम है उसकी आर्म्स के अंदर कभी कभी जो है उसके साइज में वेरिएशन आ जाता है, कभी कभी उसकी साइज जो है इक्वल होती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम देखने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है हम लिखते हैं मेटासेंट्रिक, तो मेटासेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है और इस वजह से उसकी जो आर्म्स हैं वो कैसी होती है, इक्वल साइज की होती है। जब हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है मिडिल से थोड़ा सा ऊपर होता है, इस वजह से क्या होता है क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हो जाती है। जब हम एक्रोसेंट्रिक पोजीशन की बात करते हैं तो एक्रोसेंट्रिक पोजीशन में ये सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल एंड के नज़दीक पहुंच जाता है, जिससे एक आर्म तो बहुत छोटी हो जाती है तो नीचे वाली आर्म्स बहुत ही बड़ी दिखाई देती है। और जब बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की, तो टीलोसेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उससे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जो है वो चेंज होती है, और इसके बेस पर हम बहुत सारी टैक्सोन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। जब हम एक स्पीसीज के पूरे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप जो है वो क्या है, एक क्रोमोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम उसको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो यही कैरियोटाइप जो है वो आइडियोग्राम या कैरियोग्राम कहलाता है। आइडियोग्राम या कैरियोग्राम जो है वो हर एक स्पीसीज के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। लाइरिस, लाइरिस के अंदर n इज इक्वल टू 12 होता है, इसमें 6 मेटासेंट्रिक और 6 सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोसागो, इसमें n इज इक्वल टू 22 होता है, इसमें 1 टीलोसेंट्रिक, 6 सब मेटासेंट्रिक, 5 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हम स्यूडोलेरिस की बात करते हैं तो इसमें n इज इक्वल टू 12 होता है, जिसमें 2 मेटासेंट्रिक और 10 टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेंट्रोमियर के बेस पर भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी स्पीसीज में कितने जो है किस टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि किस किस टाइप के क्रोमोसोम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं और किस टाइप के क्रोमोसोम एक स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट हैं। अगेरिसी जो फैमिली है, इस ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो जो कि इजीली ये दिखाता है कि किस तरीके से क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी के बेस पर इस फैमिली को सेपरेट किया गया। अगेर मेंबर जो हैं इन्हें पहले एमरिलिडेसी के अंदर रखा गया था क्योंकि इनके अंदर इन्फीरियर ओवरी पाई जाती थी, और युक्का जो है उसको लिलिएसी में रखा गया था क्योंकि उसके अंदर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। लेकिन जब क्रोमोसोम लेवल पर, क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी के बेस पर हमने इसकी स्टडी की तो हमने इनको एगेरिसी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बायमॉडल कैरियोटाइप देखने को मिलता है, मतलब कि 5 बड़े और 25 छोटे गुणसूत्र इसमें देखने को मिलते हैं, 5 लार्ज एंड 25 स्मॉल क्रोमोसोम्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसी बेस पर जो अगेव और युक्का है उन्हें अगेवेसी फैमिली के अंदर सेपरेट किया गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम किस टाइप से बिहेव करते हैं उससे भी हम किसी भी टैक्सोन की हिस्ट्री को पता कर सकते हैं। क्रोमोसोमल बिहेवियर जो है पेयरिंग के दौरान और वापस जब वो सेपरेट होते हैं उस दौरान उसकी जब स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि टैक्सोन के लिए ये बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। मियोसिस जो है वो कभी कभी हमें टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे जंकीज़ लेंस
साइप्रेसी फैमिलीज की जब बात करते हैं तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो छोटे होते हैं और उनका जो सेंट्रोमियर है वो अनलोकलाइज्ड होता है। जीनस पियोनिया जो है वो ट्रेडिशनली जो है फैमिली रेनेनकुलेसी के अंदर पुट किया गया था। ये हम पीछे की जब ब्रांचेस की हमने स्टडी की थी तब भी हमने देखा था कि पियोनिया को रेनेनकुलेसी में रखा गया था लेकिन बाद में उसको सेपरेट फैमिली पियोनेसी के अंदर ट्रांसफर किया गया। अब साइटोलॉजिकल जो डेटा है उसके बेस पर पियोनिया जो है वो रेनेनकुलेसी से अलग है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर जो कि पियोनिया का 5X है, जबकि रेनेनकुलेसी मेंबर्स की बात करें तो इनके अंदर जो बेस नंबर है वो 6X, 7X एंड 8X है और इसी बेस पर पियोनिया को उन्होंने अलग किया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब युक्का और अगेव की बात करते हैं तो युक्का और अगेव जो है इनका भी कैरियोटाइप जो है पियोनिया की तरह ही है जो कि एसिमेट्रिकल है, जिसमें 10 लार्ज और 30 स्मॉल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें भी बाइमॉडल कैरियोटाइप देखने को मिलता है। तो युक्का और अगेव जो हैं पहले उनको अलग अलग फैमिली में रखा गया था, ठीक है, लेकिन बाद में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर, उनकी सिमिलर हैबिट के बेस पर, सेकेंडरी ग्रोथ जो इनमें सिमिलर होती है उसके बेस पर इनको सेम फैमिली के अंदर रखा गया जो कि पहले अलग अलग फैमिली के अंदर था। तो ये जो टॉपिक है वो ये बताता है कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ही नहीं, हम जब सेलुलर लेवल पर जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, उस बेस पर भी हम टैक्सोन को अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई जो दूसरी ब्रांचेस है वो हमें टैक्सोन को आइडेंटिफाई करने में अगर हेल्प नहीं कर रही है तो हम सेलुलर लेवल पर जाकर भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जान सकते हैं। आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और बॉटनी की ब्रांच के साथ जो कि टैक्सोनॉमी में अपना सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।